पहुंचाने के लिए। तो अब सभी की निगाहें इस पर बनी हुई है कि आज जो रैली होने जा रही है इसमें कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे और साथ ही साथ इसके क्या मायने रहने वाले हैं और किस तरह की बयानबाजी वहां से होगी और किस तरह के दावे और वादे जनता के साथ किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्ती जिले में रहेंगे, जहां पर वो रुथौली विधानसभा के बिड़वा समय माता मंदिर में कांग्रेस के किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं भूपेश बघेल यहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम के आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो बस्ती में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे भूपेश बघेल, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। किसान सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है जिसको संबोधित करने के लिए भूपेश बघेल यहाँ आ रहे हैं। तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है किसानों को अपने पाले में लाने की। तो बस्ती से जानकारी मिली, जहां पर भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे, किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमृत लाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, आज भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं बस्ती, किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय पहुंचेंगे और किसान सम्मेलन आखिर यहां क्यों रखा गया है, क्या मकसद है? कुल मिला के उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, इसको देखते हुए कांग्रेस के नेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाया गया है। आज वो लगभग 11:30 बजे पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से बस्ती उतरेंगे, उसके बाद बाई रोड बैड़वा समय माता भानपुर पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और किसान सम्मेलन ये है जनसभा में और वहां लोगों से बात करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी चल रही है, जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के वो बुलाए जा रहे हैं ताकि 2022 का जो चुनाव है वो साधा जा सके। जी आप सही कह रहे हैं, ये बीजेपी की तर्ज पे कांग्रेस भी बड़े बड़े नेताओं को छोटे छोटे जनसभाओं को उनमें सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं 2022 में कांग्रेस को लाभ मिल सके चुनाव में। बिल्कुल, और आज ये जो किसान सम्मेलन है इसमें कितने किसान शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस का कौन सा बड़ा चेहरा और शामिल हो सकता है? जी यहाँ के लोकल के जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी आने की संभावना है। और यहाँ सबसे बड़ा यहाँ किसान सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गन्ना किसानों का ये पूर्वांचल में ये खेती गन्ना ही मात्र एक खेती है, जबकि बस्ती जिले में दो दो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं और लगभग 45 से 46 करोड़ रुपए किसानों का बाकी है और इसीलिए यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाया गया है और किसान सम्मेलन करवाया जा रहा है कांग्रेस से। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज बस्ती पहुंचेंगे भूपेश बघेल, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, किसान सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया जा रहा है।